दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर समाप्त होने वाली है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर नोटिस जारी किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्जी पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में सीबीआई से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। दिल्ली हाई कोर्ट मामले में 20 अप्रैल को समाप्त होगी। अगली समाप्त मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के जरिए जमानत खारिज करने के फैसले को चुनौती हाई कोर्ट में दी है, जिस पर आज समाप्त हुई। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर नोटिस जारी किया है और सीबीआई से इस नोटिस पर जवाब मांगा है। दो हफ्ते का वक्त दिया गया। सीबीआई की ओर से अब जवाब दाखिल किया जाएगा। निचली अदालत यानी राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। मनीष सिसोदिया की जो कस्टडी थी उसे बढ़ाया गया था 17 तारीख तक के लिए और उसके बाद मनीष सिसोदिया की ओर से अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई। जमानत की मांग की गई थी इस अर्जी के जरिए, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त सीबीआई से दो हफ्ते में दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। 20 अप्रैल को अगली समाप्त होगी। मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के जरिए जमानत खारिज करने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और आज इस मामले में समाप्त हुई। अब देखना होगा कि क्या सिसोदिया को राहत मिलती है। सीबीआई को फिलहाल जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया सीबीआई को और दो हफ्तों का वक्त दिया गया है। मनीष सिसोदिया के मामले में सीबीआई को अब जवाब दाखिल करना होगा। किस तरह से जांच की जा रही है, क्या मनीष सिसोदिया को जेल में रहने की जरूरत है, ये तमाम चीजें इस नोटिस में शामिल की गई, जिस पर सीबीआई दो हफ्ते के अंदर जवाब देगी और उसके बाद 20 तारीख को इस मामले की अगली समाप्त होने वाली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ये फिलहाल मामला था जहां पर मनीष सिसोदिया ने जमानत अर्जी दायर की थी, लेकिन उन्हें जमानत नहीं दी गई, जिसके बाद अब इस अर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट में सिसोदिया के जरिए चैलेंज किया गया।